मॉर्निंग ऑल वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी मॉर्निंग थोड़ा सा और स्लो डाउन करो ना इसको क्या नाम है आपका गर्वित पूरा शोर इसी का हो रहा है हम्म ओके सो फाइनली वी आर एट द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर टेन द टोटल चैप्टर हैज बीन ओवर ऑल द फोर एक्सरसाइजेस इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्टरी वन एंड ऑल्सो द क्रॉस प्रोडक्ट एंड वैक्टर प्रोडक्ट मुझे एक बार बता दो आप कितने और आएंगे तो से से... So, miscellaneous exercise, जो होती है उसमें सारा chapter revise हो जाता है प्लस साथ में कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं जो अदरवाइज एक्सरसाइज में नहीं नोटेड होते मतलब इन शॉर्ट हम कहते हैं होती है ना डिफिकल्ट कुछ क्यों होती है क्योंकि उसमें सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं हम पर्टिकुलरली जब वैक्टर प्रोडक्ट कर रहे थे तो वैक्टर प्रोडक्ट के क्वेश्चन कर रहे थे जब हम क्रॉस उसके कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन कर रहे थे तो उसी के कर रहे थे तो हम उस जोन में थे डॉट प्रोडक्ट के जोन में थे तो फटाफट फट कर दिए जब क्रॉस प्रोडक्ट के जोन में थे तब उसके कर दिए बट अभी हमको उन सब जोन से बाहर आना पड़ेगा और पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन कौन से एक्सरसाइज का है या कौन से टॉपिक का है ठीक है या मोर देन वन टॉपिक के कॉम्बिनेशन में भी क्वेश्चन आ सकता है ओके स्टार्ट करें और सीक्वेंस में हर एक एक्सरसाइज से यहाँ से हर एक टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा यह चीज तय है और थोड़ा सा अच्छा लेवल का मिलेगा ठीक है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एक यूनिट वेक्टर लिखना है लिखना है कंपोनेंट फॉर्म लिखनी है व्हाट आर इट्स आई कैप व्हाट आर इट्स जे कैप एंड व्हाट आर इट्स के कैप ये लिखना है और वो यूनिट वेक्टर जो है यूनिट वर्ड आ गया इससे पता चल रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है यूनिट है और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन उसने उसने नहीं दी उसने बस इतना बताया है एक्स वाई प्लेन पर वो करता है प्लेन क्या होता है फ्लोर एक्स वाई प्लेन क्या होता है फ्लोर मतलब फ्लोर पे लाया करता है वो स्पेस में नहीं है अच्छा जी आगे सुनो मेकिंग एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विदिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हमने क्या सीखा था टू डी प्लेन के अंदर

कम से कम दो एक्सेस के साथ एंगल गिवन होना चाहिए हाउ मेनी एक्सेस या तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के साथ एंगल गिवन होना चाहिए तो मैं जेड से निकालूंगा या वाई और जेड के साथ गिवन होना चाहिए तो मैं एक्स से निकाल लूंगा

अब क्योंकि हमको थ्री डी स्पेस में बनाना हालांकि है तो एक्स वाई प्लेन आप चाहो तो जेड एक्सिस ना ड्रॉ करके भी बना सकते हो बट क्योंकि हम वैक्टर अल्जेबरा पढ़ रहे हैं तो बेटर होगा कि हम तीनों ही एक्सिस ठीक है सो तीनों एक्सिस हम कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन हमको हमेशा थ्री डी स्पेस बना के ही आगे बढ़ना है ठीक है तो तीनों एक्सिस कैसे बनाते हैं सब जानते हैं दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्सिस ये सीखा है बोलो ओके okay. मार्क कर देते हैं एक्स एक्सिस

ओरिजिन uh, से बनाते हैं तो ज्यादा सही रहेगा देखो वैसे तो उसने बताया नहीं कहां से बन रहा है वो वेक्टर हमारी मर्जी हम कहीं पर भी बनाए तो हम ओरिजिन से बनाते हैं तो लेट से एक्स एक्सिस के साथ वो थर्टी डिग्री बना रहा है तो मैंने ये वैक्टर बना दिया लाइक दिस ओके ये जो वैक्टर है एक्स एक्सिस के साथ थर्टी डिग्री का एंगल बना रहा है ये एक्स एक्सिस है इसके साथ क्या बना रहा है थर्टी डिग्री का एंगल बना रहा है तो जैसा कि मैंने कहा एक्स एक्सिस के साथ थर्टी डिग्री बना रहा है तो क्लियरली वी कैन फाइंड आउट कि वाई एक्सिस के साथ कितना बनाएगा क्योंकि ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री टोटल एंगल है तो 30 डिग्री इधर है तो उधर कितना होगा 60 डिग्री कैन एनी वन गैस की ये वैक्टर जेड एक्सेस के साथ कौन सा एंगल बनाएगा गैस कर सकते हो यस वेरी गुड 90. देखो मुझे एक चीज बताओ ये एक मेरी तरफ देखो ये जो फ्लोर है ये जो फ्लोर है इस जेड एक्सेस के साथ परपेंडिकुलर है तो फ्लोर पे लाए होने वाला हर एक वेक्टर हर एक लाइन इस जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा होगा नहीं होगा ये जो वेक्टर है ग्रीन कलर का ये एक्स वाई प्लेन पे लाया करता है पूरा का पूरा प्लेन ही परपेंडिकुलर है ना से पूरा का पूरा का प्लेन ही परपेंडिकुलर तो उस पर लाए होने वाली हर एक छोटी से छोटी चीज भी उस जेड एक्सेस से क्या होगी परपेंडिकुलर होगी तो इट इज वेरी मच क्लियर कि ये जो वेक्टर है इस जेड एक्सेस के साथ परपेंडिकुलर वो दिख नहीं रहा दिख क्यों नहीं रहा क्योंकि हमने थ्री को टू में बनाया थ्री को टू में जुगाड़ करके ही बनाते हैं exact सकते, ना? तो बना ये अल्फा बीटा गामा तीनों तो क्या निकाल सकता हूँ बोलो डीसी क्या निकाल सकते हैं हम इसके डायरेक्शन को साइंस एल एम एन और एल एम एन निकाल लेंगे तो उससे हम वेक्टर लिख सकते हैं क्या बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि उसने यूनिट वेक्टर मांगा था क्या मांगा था यूनिट वेक्टर अच्छा किसी भी मैंने कहा कोई भी वेक्टर लिखो मैंने कहा कोई भी वेक्टर लिखो तो आप कैसे लिखते हो किसी भी वेक्टर वेक्टर को लेट से मैंने कहा लिखो तो आप कैसे लिखते हो कैप प्लस कैप कैप प्लस यानी कि किसी भी वेक्टर को उसके डी आरस की फॉर्म्स में लिखा जाता है एबीसी क्या है यहां पे बताओ डी आरस क्या है इसके डी आरस लेकिन अगर आपको कहीं से हिंट मिल जाए कि ये वैक्टर एक यूनिट वैक्टर है जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है ये वैक्टर क्या है एक यूनिट वेक्टर है तो सबसे पहले आप वेक्टर पी नहीं लिखोगे सबसे पहले तो आप इसको पी कैप लिखोगे सबसे पहली चीज आप इसको वेक्टर पी नहीं लिखोगे क्या लिखोगे पी कैप दूसरी चीज सुनना अब आप इसको डी आर फॉर्म में नहीं लिखोगे अब आप इसको डीसी फॉर्म में लिखोगे क्योंकि यूनिट वैक्टर हमेशा अपने डीसी की फॉर्म में बी लिख दिया सॉरी गलती से एल आई कैप एम जे कैप एंड वॉट एन के कैप यानी कि यूनिट वेक्टर अपने डी की फॉर्म्स में नहीं लिखा जाता वो हमेशा अपनी डीसी की फॉर्म में लिखा जाता है अब हमारा केस कौन सा है ऊपर वाला नीचे वाला नीचे वाला हमको यूनिट वैक्टर लिखना है हमको कोई साधारण वैक्टर नहीं लिखना हमको क्या लिखना है यूनिट वैक्टर लिखना है तो जस्ट आई नीड टू फाइंड एल एम एन बस ये तीन चीजें फाइंड आउट करो जो कि अल्फा बीटा गामा से पता चल जानी है जैसे ही तीन चीजें पता चली इसको लिख दो ओके ये थोड़ा सा ब्लर लग रहा है ना सही है क्या अभी ठीक है दीवार ही गंदी है चैन ओके ठीक है दिख रहा है ना चलो चलो स्टार्ट करें तो एलेमेंट निकालना है बेसिकली और वेक्टर लिख देना यही काम करना कई बार क्वेश्चन बड़ा इजी होता है बस उसकी वो चीज पकड़ में आ जाएगी करना क्या है अब पता चल गया एलिमेंट निकालना है अब मैं किसी को भी कॉम बेटा एलिमेंट निकालो अब सर इतना सा काम था क्या पर वो वो कौन बताएगा कि एलिमेंट निकालना है वो फाइंड आउट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में तो जस्ट एलिमेंट निकालना है सीधे सीधे तो उसने कहा नहीं कि एलिमेंट निकालो ठीक है चलो स्टार्ट राइटिंग डाउन सो उस गिवन वैक्टर को वैक्टर ए मान लेते हैं ना हेयर लेट द गिवन वैक्टर बी ए लेट द गिवन वैक्टर बी वैक्टर ए मेकिंग एन एंगल ऑफ मेकिंग एन एंगल ऑफ मेकिंग एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री है क्या थर्टी डिग्री की वन हा मेकिंग एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विदिटिव लिख दो क्योंकि हम अगर बताते हैं नहीं है कि कौन सी साइड है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड है एक्स एक्सिस एंड साथ में एक इंफॉर्मेशन और की वन है लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन एंड लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन ओके okay, फाइन तो x एक्सिस के साथ इसका 30 डिग्री का एंगल है तो हम कॉमन सेंस से निकाल लेंगे y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ इसका एंगल सो एंगल मेड बाय एंगल मेड बाय वेक्टर a विथ द y एक्सिस x एक्सिस के साथ गिवन है y और z के साथ मैंने निकाल लेना है राइट एंड एंगल मेड बाय वेक्टर a विथ The, that सारे बंद कर दो भाई अलार्म अलार्मार्म जब तो जाएगा फोन दैट इज इसको हम बीटा कह देते हैं एंड इसको हम गामा कह देते हैं अल्फा बीटा गामा होता है और ये जो थर्टी डिग्री है ये क्या है ये बाय डिफॉल्ट हमको पता है ये क्या है अल्फा अल्फा बीटा गामा तो ये निकालना है अभी अपने को तो बीटा कैसे निकालोगे बोलो बीटा मतलब आई एक्सिस के साथ एंगल बोलो कैसे निकालोगे नाइन्टी में से इस अल्फा को माइनस करके स नाइन्टी माइनस अल्फा कितना था थर्टी सो इट कम्स आउट टू बी सिक्सटी डिग्री ठीक है और गामा कैसे निकालेंगे गामा निकालने का तरीका ईजी है क्योंकि पूरा का पूरा प्लेन ही पूरा का पूरा प्लेन ही क्या है इससे परपेंडिकुलर है मैं क्या लिखूंगा इज इक्वल टू गामा इज डायरेक्टली इक्वल टू वॉट नाइन्टी डिग्री कोई चाहे तो इसका रीजन भी लिख सकता है कि नाइनटी डिग्री क्यों है बिकॉज एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन

एल एम एंड एन एल एम एंड एन कैसे निकालते हैं डायरेक्शन को साइंस कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड वॉट कॉस गामा ठीक है डायरेक्शन को साइंस कोसाइंस से पता चल रहा है कॉस लगेगा डायरेक्शन मतलब उसकी जो भी गिवन एंगल है उस पर कॉस लगेगा ठीक है सो अल्फा बीटा गामा तीनों ही एंगल्स हमको पता है कॉस थर्टी डिग्री बीटा के टाइम सिक्सटी डिग्री तो कॉस 60 डिग्री एंड गामा कितना है 90 डिग्री तो कॉस 90 डिग्री ठीक है कॉस 30 कितना होता है रूट थ्री बाय टू कॉस सिक्सटी और कॉस 90 जीरो ठीक है वैसे भी देखो वो एक्स वाई प्लेन पर है तो जेड वाला को जो कोऑर्डिनेट है वो तो उसका जीरो बनना ही था लेकिन हमने साबित भी कर दिया कॉस 90 इक्वल टू लिख के ठीक है चलो तो लिख दिया हम वैक्टर है नाउ अब यूनिट वैक्टर जिसे हमने ए कैप से डिनोट कराना है ठीक है ना यूनिट वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड है ये रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप एलेमेन की वैल्यू हमारे पास जस्ट राइट डाउन द वैल्यूज रूट थ्री बाय टू टाइम्स आई कैप एम क्या है हाफ हाफ टाइम्स जे कैप और एन के कैप वैसे तो जीरो है लिखो तो भी ठीक और चाहो तो ये थर्ड लास्ट वाला एलिमेंट हटा दो तो भी ठीक ठीक है दिस इज अवर फाइनल आंसर चेक करो आंसर की से मैच हो गया कोई डाउट्स क्वेरीज बोलो लक्ष्य बताओ हमको फोन बज गया था ना इसलिए समझ आ गया okay. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर जस्ट क्या निकालना है आपको यूनिट वेक्टर लिखना है तो आपको एलिमेंट निकालना है और यूनिट वेक्टर नहीं लिखना है सब कुछ मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जिसका यूनिट से ज्यादा हो टू यूनिट थ्री यूनिट अगर ऐसा आपको वैक्टर लिखना है तो फिर आपको एलिमेंट नहीं निकालना फिर आपको एबीसी निकालना है टीआर निकालना है ठीक है चले डिलीट कर दें क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सुपर इजी सेकेंड तो फर्जी क्वेश्चन है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कोई न्यूमेरिक फॉर्म में तो गिवन है केवल अल्जैब्रिक फॉर्म में ही तो गिवन है तो बस अल्जैब्रिक फॉर्म में आंसर दे दो तो, बहुत इजी है तो द टू गिवन पॉइंट्स आर द टू गिवन पॉइंट्स आर वॉट आर दू गिवन पॉइंट फर्स्ट वन इज पी एक्स वन वाई वन एंड क्यू अब सबसे पहले तो पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट से एक वेक्टर बनाओ है वो वैक्टर हम क्या बनाएंगे पी क्यू बनाएंगे क्या बनाएंगे पी क्योंकि पहले पी का जिक्र है बाद में क्यू का जिक्र है ठीक है अगर पहले क्यू का होता तो फिर क्यू पी बनाते नाउ बाई यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट वी हैव वैक्टर पी क्यू बोलो दो पॉइंट से ज्वाइन करने वाले वैक्टर को कैसे बनाते हैं टर्मिनल पॉइंट यस yes. माइनस तो क्यू में से पी के कोऑर्डिनेट्स घटाओ क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या देखो एक्स टू माइनस एक्स वन देन वाई टू माइनस y1 x2 minus x1 इतना तो हो जाएगा i कैप प्लस आगे बोलो y2 minus y1 इतने टाइम्स हो जाएगा j कैप एंड देन व्हाट z2 मतलब z2 minus z1 इतना हो जाएगा हमारा k कैप फाइन तो ये वेक्टर तो लिख दिया मैंने अब इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स नहीं दिखाई दे रहे क्या साफ-साफ दिखाई दे रहे हैं ये तीन ही तो उसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं आंसर हो गया और फिर मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सबको पता है चलो तो नाउ स्केलर कंपोनेंट द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वैक्टर पी क्यू आर एक्स टू माइनस एक्स वन पहला स्केलर कंपोनेंट कॉमा दूसरा स्केलर कंपोनेंट इज वाई टू माइनस वाई वन एंड द थर्ड वन इज सेन स्केलर कंपोनेट यही तो होते हैं जो आईकेके बगल में जो नंबर्स रखे हुए

रूट आंसर मैच करो पीछे आंसर मैच करो मल आंसर की मैं कर लिया हम्म ठीक है ना हाँ हूं तो करो ठीक है ओके ठीक है अगर हम चाहें तो वेक्टर क्यूपी भी बना सकते हैं अगर वेक्टर क्यूपी बनाए तो फिर क्या होगा देखो इधर स्क्रीन पे देखो सब लोग हम ऐसे भी कर सकते हैं वो भी गलत नहीं होगा कि एक्स टू माइनस एक्स वन के आगे हमने प्लस माइनस साइन लगा दिया इधर भी हमने क्या लगा दिया

सिंपल सी बात है पी से क्यू जाओ या क्यू से पी जाओ सेम डिस्टेंस ही तो ट्रेवल होगी कम ज्यादा थोड़ी ना होगी चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मेरे पास शब्द नहीं है इतना इंपॉर्टेंट है हर बार आने वाला सवाल है इसको तो मार्क् कर लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ध्यान से समझिएगा इसका एक एग्जाम्पल भी आपके में शायद पहला एग्जाम्पल स्टार्ट करें इसको रेडी क्वेश्चन को समझना पहले ढंग से अ गर्ल वॉक्स फोर किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कोई गर्ल चार किलोमीटर चली फिर तीन किलोमीटर किस डायरेक्शन में चली थर्टी डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ नॉर्थ से ईस्ट की तरफ तीस डिग्री घूम गई नॉर्थ से ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ थर्टी डिग्री घूम गई यानी डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट है डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट है लेकिन थर्टी डिग्री नॉर्थ के साथ ईस्ट के साथ नहीं है ठीक है थर्टी डिग्री किसके साथ है नॉर्थ के साथ है जो चीज बाद में डायरेक्शन रखी हुई है इससे थर्टी डिग्री है ओके okay, और फिर स्टॉप हो गई फिर वो क्या हो गई स्टॉप हो गई तो आप उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ उसके इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर से यानी स्टार्टिंग में वो कहां थी और अभी वो कहां खड़ी है वहां से उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ और इस चैप्टर में हमने सीखा है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है वैक्टर क्या बताओ वेक्टर यानी कि उसके इनिशियल पॉइंट मान लो वो यहाँ पे इससे स्टार्ट करी थी और उसने खत्म यहां पे किया तो यहां से लेके यहां तक बनने वाले वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म बताओ ये सवाल है क्लियर है वेक्टर बताओ बोले तो उसकी कंपोनेंट फॉर्म बताओ ठीक है अब 2D के अंदर डायरेक्शंस की जब भी बात होगी तो फिक्स है कि नॉर्थ ऊपर होता है साउथ नीचे ईस्ट ऑन द राइट साइड एंड वेस्ट ऑन द लेफ्ट साइड उस टाइम हम असली डायरेक्शन को भूल जाएंगे कि असली में तो नॉर्थ इधर है साउथ इधर है उस डायरेक्शन को हम भूल जाएंगे हम जो जनरल डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे वो बस ऊपर नीचे दाएं डाय बाए so, बोलो नॉर्थ तो ऊपर होता है थोड़ा और बड़ा बना दो दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ राइट साइड में ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा ठीक है अब वो गर्ल कहां से स्टार्ट करती है एक टू प्लेन के हिसाब से चले तो उसने गिवन नहीं है तो हम मान लेते हैं कि वो ओरिजिन से स्टार्ट करती है ओ से स्टार्ट करती है राइट वन मोर थिंग जब वो धरती पे चल रही है तो वो स्पेस पे नहीं है वो टू प्लेन पे ही है तो इसमें के कैप तो आएगा ही नहीं ये तो फिक्स है इसमें के तो ही नहीं सकता क्योंकि वो जमीन पे वॉक कर रही है पर है है वो वो स्पेस में नहीं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसलिए एक्स -वाई की तरह ही ड्रॉ कर दिया हमने अब बताओ कैसे कैसे चल रही है वो वो सबसे पहले तो वेस्ट डायरेक्शन में चार किलोमीटर चली तो ओरिजिन से स्टार्ट हुई और वेस्ट डायरेक्शन में चार किलोमीटर चला दें इसको ये लो ये मान लेता हूं मैं ये यहाँ पे आके स्टॉप हो गई डायरेक्शन यहां पे आके स्टॉप हो गई और जहां पे वो स्टॉप हुई लेट से उसको हमने ए मार्क कर दिया क्या मार्क कर दिया ए और ये डिस्टेंस कितनी है ओ से लेके ए चार किलोमीटर तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना तो हम लगभग लग लग चार सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे स्केल बना देंगे कि एक सेंटीमीटर बराबर एक किलोमीटर ठीक है तो ये चार किलोमीटर है यहां से लेके यहां फाइन अब स्टॉप हुई यहां पे एक बार के लिए रेस्ट किया उसने उसके बाद तीन किलोमीटर चली किस डेक्शन में चली थर्टी डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ तीन किलोमीटर तो हम चला देंगे अब ये डायरेक्शन सोचो कैसे थर्टी डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ अगर ये सुनो अगर ये सुनो ओरिजिन से ओरिजिन से तीस डिग्री घूमती तो वो थर्टी डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ को जैसी डायरेक्शन होती नॉर्थ के साथ थर्टी डिग्री की डायरेक्शन ऐसे होती नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती नॉर्थ ईस्ट लेकिन वो तो तब होती ना जब ओरिजिन से चलती उसको तो ए पॉइंट से चलाना है जहां से वो अभी रुकी हुई है वहां से चलाना है ना अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो हम लोग ओरिजिन से ही बनाना जानते हैं यहां से कैसे बनाए तो हम क्या करेंगे जो वाई देख रहे हो वाली वाई इसकी एक यहां पे तैयार करेंगे इसकी एक डमी कॉपी हमने इस ए पॉइंट पर रेडी कर दी यानी इससे पैरल एक लाइन खींच दी और इस पैरल लाइन से आपको नॉर्थ ईस्ट चलाना पड़ेगा समझ गए क्या समझ गए क्या अभी सपोज करो मैं यहां पर हूं अब मेरी तरफ देखो सपोज करो मैं इस जगह पे हूं मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चलो तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आप अपनी पोजीशन से तो ऐसे ही चलोगे ना ऐसे ही चलोगे ना तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पे मेरी सीट में वाई एक्सेस है और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऐसे चल रही है तो ए पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चलने के लिए आपको वाई एक्सेस की कॉपी एक वहां पर ड्रॉ करनी पड़ेगी इमेजिन करनी पड़ेगी अब यहाँ से आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चल सकते हो और कितना किलोमीटर चलना है आपको तीन किलोमीटर तो लेट से ये मैं यहाँ पे आके स्टॉप हो गया फाइन और ये पॉइंट ले लेता हूं मैं बी और ये थर्टी डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है तो ये वाला एंगल हो जाएगा डिग्री डिग्री ओके एंड बात है ये 30 है ये तो नीचे वाला कितना हो जाता है डिग्री फाइन अब आपका हो गया सारा स्टॉप हो गई वो वहीं पे अब इनिशियल पॉइंट कहां से स्टार्ट करा था उसने ओ से और खत्म कहां किया टर्मिनेट कहां पे किया बी पे तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वेक्टर ओ बी फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा वेक्टर O, ये वेक्टर o, है जो आपको फाइंड आउट करके दिखाना है इन टर्म्स ऑफ आई कैप 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 एंड बोलो क्वेश्चन क्लियर है सबको अब ये काम करके कैसे दिखाएं ये वेक्टर लिख के कैसे दिखाएं सवाल ये ठीक है स्टार्ट करें अच्छा ये दिर... ये जो लेंथ है ये तीन किलोमीटर है ये भी कहीं पर भी जैसे भी मार्क कर सको कर देना यहां से लेके आते ये तीन किलोमीटर ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं ए गर्ल इज गिवन पहले इंट्रोडक्शन करते हैं इज गिवन वॉकिंग फोर किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट टूवर्ड्स वेस्ट देन थ्री किलोमीटर्स टुअर्ड्स थ्री किलोमीटर्स थर्टी डिग्री जो भी क्वेश्चन कर लेना बताओ ओ से लेके ए जाना है ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं मुझे क्या जाना है ओ से लेके ए से लेके बी तो ट्राइंगल लॉ अगर मैं इस्तेमाल करूं फाइनल डिस्प्लेसमेंट ओ बी निकालने के लिए आपको ओ ए प्लस ए बी करना पड़ेगा बोलो ओ ए प्लस ए बी करना पड़ेगा ट्राइंगलो क्या कहता है ट्राइंगलो को ऐसा कहता था कि अगर आप यू जाके यू गए तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट तीसरी साइड मानी जाती है ट्राइंगल की तो अगर आपको फाइनल डिस्प्लेसमेंट ओ बी फता करना है तो आपको वेक्टर ओ ए में वेक्टर ए बी जोड़ना पड़ेगा मानते हो ओके वन मोर थिंग अब एक और चीज समझो बेटा अगर आप एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के हॉरिजॉन्टल पैरेलल चल रहे हो तब तो उसको बोलते हैं कैप चलना और जे कैप चलना अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ़ चल रहे हो तो आप आई कैप चल रहे हो अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन हो तो आप माइनस जे कैप चल रहे हो जैसा कि मैंने कहा कि चार किलोमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन चलो तो आप फोर आई कैप चलोगे कितना चलोगे फोर आई कैप मैंने कहा नेगेटिव नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सेस चलो और दस किलोमीटर चलो बोलो कितना चलोगे माइनस टेन जे कैप नेगेटिव साइड ऑफ जेड वाई एक्सिस चलना है और कितना चलना है दस किलोमीटर चलना है लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप डायगोनली चलते हो प्रॉब्लम कब आती है जब आप डायगोनली चलते हो जब आप एक्स एक्स के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल चलो तब तो कोई इश्यू ही नहीं है जे कैप माइनस जे के आई कैप प्लस आईके और के कैप तो यहां पे चल ही नहीं सकते वैसे ही पता है तो ये तो आसान है काफी लेकिन डायगोनली चलेंगे तो प्रॉब्लम है तो यहां पे डायगोनली में दो बार चला एक बार तो ए बी और एक जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो भी ये भी डायगनली है तो ओ से लेके ए आना तो कोई बड़ी बात नहीं है आप नेगेटिव साइड चल रहे हो चेक करो और कितना चल रहे हो चार किलोमीटर तो तो क्या माना जाएगा ये -4 IK, ये आई तो बहुत सरल है ठीक है नेगेटिव साइड चल रहे हो और चार किलोमीटर चल रहे हो तो माइनस फोर कैप एक कंपोनेंट तो आपको मिल गया प्रॉब्लम ये है कि सर ए से लेके बी तक में कितना आई कैप या कितना जे जेकेफ चलना वो कैसे पता करें चलो तो ओ ए तो पता चल गया ना तो वैक्टर ओ ए तो निकालने एक बार चलो Now vector OA, ओ yes, so vector OA will be given by minus गिवन i cap. ठीक है और j cap, k cap क्योंकि vector में तो तीनों ही component होते हैं ना तो j cap भी zero j cap और k के cap तो obviously zero ही चल रहा है लिखना बस फॉर्मेलिटी हमारे ठीक है तो वैक्टर ओ ए तक क्लियर है सबका अब आप ए पे आके रुक गए कहां पे आके रुक गए ए पे अब ए से बी जाना यह हमारे लिए चुनौती है अब हम क्या करेंगे ए से लेके बी वाला वेक्टर निकालने के लिए हमने क्या किया बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया देखा बी से अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और लेट से उस परपेंडिकुलर का नाम हमने रख दिया बीपी पी पे लैंड कर रहे हैं अपना है ना बीपी तो मुझे एक चीज बताओ ट्राइंगल ए पी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ट्राइंगल ए पी बी में एक एंगल गिवन है सात डिग्री और एक साइड भी गिवन है ए बी तीन किलोमीटर तो किसी ट्राइटेंगल ट्राइंगल में एक साइड और एक एंगल गिवन है तो बाकी सब कुछ निकाला जा सकता है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आप चाहो तो ए पी भी निकाल सकते हो आप चाहो तो पीबी भी निकाल सकते हो राइट अब इस ट्राइंगल के अंदर ए बी है कैसे निकालेंगे हम ट्राइंगलों को इस्तेमाल करके ए से लेके पी जाओ पी से लेके बी जाओ और ए से लेके पी आप एक्सिस के पैरेलल चल रहे हो P से लेके बी आप Y एक्सिस के पैरल चल रहे हो और एक्स एक्सिस के Y एक्सिस के पैरल चलना मुझे आता है I कैप और कैप चलना और कितना चलना है वो भी मैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाल लूंगा ठीक है समझ आया चलो नाउ टू फाइंड वेक्टर टू फाइंड वेक्टर ए बी वी ड्रॉ वी ड्रॉ बीपी और टू AO. Vector a vector ab निकालने के उपलक्ष्य से मैंने bp को ao से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किया अब ट्राइंगल बताओ कौन सा है हमारे पास इन ट्राइंगल. व्हिच ट्रायंगल abp या apb apb ट्राइंगल में एंगल apb 90 डिग्री है साथ में साथ में एंगल bap भी है क्या है गिवन है मुझे एंगल bap कितना गिवन है बोलो 60 डिग्री वो कैसे निकालेंगे 90 थर्टी डिग्री जो गिवन था है. तो एपी और बीपी तो निकालने के लिए आप कुछ मत करो साइन ए और कॉस ए को यूज कर लो ठीक है बताओ साइन ए कैसे निकालेंगे तो ए के सामने वाली साइड साइन कैसे निकालते हैं अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटे तो ए के सामने वाली साइड क्या है बीपी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है बोलना ए बी फाइन एंगल कितना है साइन सिक्सटी डिग्री हो गया ये बीपी मुझे निकालना है और ए बी कितना गिवन है तीन किलोमीटर बोलो साइन सिक्सटी कितना होता है रूट थ्री बाय टू इज इक्वल टू बीपी डिड बाय थ्री तो यहां से बीपी कितना निकला बोलना क्रॉस मल्टीप्लाई करो थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू किलोमीटर तो साइन ए की मदद से बीपी निकल गया स ए की मदद से तीसरी साइड भी निकाल लो कॉस का मतलब क्या होता है बेस अपॉन बोलो एंगल ए के हिसाब से बेस क्या है एपी एपी बाय सेम यूज कर लेंगे हम सिक्सटी डिग्री और एपी पता करना है एज इट इज छोड़ दो और ए बी ऑलरेडी पता है तीन कॉस सिक्सटी कितना होता है हाफ वन बाय टू इज इक्वल टू ए पी बाय थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई करके एपी की वैल्यू क्या आ जाती है यहां से थ्री बाय टू किलोमीटर उस तो ट्राएंगल के बची हुई दो साइड भी पता चल गई हमको बोलो पता चल गई नाउ बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ नाउ बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ वेक्टर ए बी इक्वल टू बताओ लॉ का इस्तेमाल करके वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे को बताएगा वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे ट्राइंगल पी में ट्राइंगल लॉ यूज करो वेक्टर ए पी प्लस वेक्टर पी बी समझ आया भाई ए से लेके पी जाओ और पी से लेके बी जाओ तो फाइनली आप ए से लेके बी पहुंच रहे हो लॉ की मदद से अब वेक्टर ए पी कैसे निकालेंगे आप ये नोटिस करो ए से जब पी जा रहे हो तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सेस चल रहे हो या नेगेटिव साइड ऑफ एक्सएक्सेस चल रहे हो तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सएक्सेस चलोगे तो आई कैप और नेगेटिव चलते तो माइनस आई कैप अच्छा कितना चल रहे हो

और जे कैप कितना हो जाएगा हमारा थ्री रूट थ्री बाय टू जे कैप और के कैप तो शुरू से ही वैसे भी जीरो ही चल रहा है ठीक है इन दोनों को ऐड करो तो वेक्टर ए भी मिल जाता है थ्री बाय टू में जीरो ऐड करो तो थ्री बाय टू टाइम्स आई कैप थ्री बाय टू टाइम्स आई कैप एंड जीरो में फिर थ्री रूट थ्री बाय टू एड करो तो क्या बनता है थ्री रूट बाय टू टाइम्स जे कैप और के कैप तो वैसे भी ही रहेगा तो ये हमारा वेक्टर ए बी आ चुका है ओ oh, हाँ, वेक्टर ए बी आ चुका है ए से लेके बी जाने वाला वेक्टर आ चुका है ओ से लेके ए आने वाला वेक्टर पहले ही ऊपर आ चुका था ध्यान से सोचो इसमें अगर ये वाला वेक्टर जोड़ दू तो फाइनली वेक्टर ओ बी बना की नहीं बना अब आप ट्राइंगल ये वाला सोचो अभी आपने ट्राइंगल लो कौन सा वाला सोचा था ये वाला सोचा था ये ट्राइंगल सोचा था ना अब आप ट्राइंगल ये वाला सोचो जो ओरिजिनली शुरू में बन रहा था ये वाला

अगेन बाय यूजिंग ट्राइंगल लो ट्राइंगल का नाम भी लिख दो जैसे इसमें हमने लिखा नहीं यहां पे कौन से ट्राइंग, ट्राइंगल में हमने ट्राइंगल लो इस्तेमाल किया इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल उसी फॉर्म में लिखो जहां से जैसे कहे ए से लेके पी गए पी से लेके बी गए तो ए पी बी अगेन बाय यूजिंग ट्राइंगल लो अब कौन से ट्राइंगल में चल रहे हैं ओ से लेके ए से लेके भी अगेन बाई यूजिंग ट्राइंगल लो ट्राइंगल लॉ इन ट्राइंगल ओ ए बी वी ये है कॉपी पेस्ट मारो क्या है माइनस फोर आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप ब्रैकेट लगाओ प्लस वेक्टर ए बी नीचे जो हमने अभी अभी निकाला क्या निकाला थ्री बाय टू टाइम्स आई कैप आगे बोलो थ्री रूट थ्री बाय टू टाइम्स जे कैप और के कैप तो शुरू से ही जीरो ही चलना है formality लिखना इन दोनों को करो तो -4 में थ्री रूट थ्री बाय टू टाइम्स जे कैप और K cap तो as usual, formality 0 के कैप एज यूजुअल फॉर्मेलिटी जीरो फाइनल आंसर आ चुका चेक करो Match मैच हो गया एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लास्ट में लिख लेना उसी की लैंग्वेज में हेंस द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर इज इज गिवन बाय वेक्टर टू जो भी आया ठीक है क्लियर है इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया ऐसा एक एग्जाम्पल आपका शायद पहला या दूसरा एग्जाम्पल है मिसलेनियस में उसको भी देख लेना ऐसा क्वेश्चन आना तय है बिल्कुल एंड मोस्ट प्रोबेबली ये आपके सीबीएसई uh, पैटर्न की बात करें तो उसमें आता है केस स्टडीज में और आजकल आरबीएससी में भी केस स्टडीज आने लग गई हैं हाँ लास्ट ईयर आई थी लास्ट ईयर के पेपर देखें अभी तो कोर्स ही नहीं किया क्या पेपर देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फोर्थ वन वेक्टर ए इक्वल टू बी प्लस सी ये फिर से फर्जी आ गया तो एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है एक फर्जी आ रहा है वेक्टर ए अगर बी प्लस सी है तो क्या ये बात सच है कि उसका मैग्नीट्यूड भी इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम है बोलो सोचो जस्टिफाइड आंसर अगर वेक्टर ए वेक्टर बी और सी को जोड़ के मिलता है तो यह क्या सच होगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी वेक्टर बी और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को जोड़ के मिलेगा हमेशा नहीं होगा यस yes. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है अब ये बताओ होगा तो कब और नहीं होगा कब बोलो होगा कब मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड का सम तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कब आएगा कोस थीटा वन हो वॉट इज थीटा थ्री डी में थीटा नहीं चलता अल्फा बीटा चलता है। हम्म, देखो, ये में चला वेक्टर बी, ये में चला वेक्टर सी ये में चला वेक्टर बी और ये में चला वेक्टर सी तो वेक्टर ए इन दोनों का सम होगा बोलो ट्राइंगल लो इस्तेमाल करके अब मुझे बताओ यहां से यहां जो डायरेक्ट मतलब डिस्टेंस में ट्रैवल करूंगा और यहां से यहां में मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूट का मतलबेंस ट्रेवल भी तो होती है तो इन दोनों का सम एग्जैक्टली exactly इसके बराबर आएगा क्या बोलो यहां से लेके यहां का सम और यहां से लेके यहाँ का सम मतलब इन दोनों का सम इन दोनों साइड्स का सम अच्छा ट्राइंगल मान लो ट्राइंगल के इन दोनों साइड्स का सम इस तीसरी साइड के बराबर आएगा क्या आएगा ट्राइंगल ही नहीं बन सकता फिर को किसी भी ट्राइंगल में नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं शायद किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एक साइड का सम दो साइड्स के सम मतलब किसी भी एक साइड की वैल्यू दो साइड्स के सम से छोटी होती है कोई भी एक साइड उठाओ लेट्स से ये ट्राइंगल है ए बी सी आप कोई भी एक साइड पिक करो लेट्स से मैंने पिक करी ए बी तो ए बी छोटी होगी बची हुई दो साइड्स के सम से बी सी प्लस ए सी किसी ने साइड सी पिक करी तो सी छोटी होगी बची हुई दो साइड्स के सम से यानी ए बी प्लस ए सी और अगर किसी ने ए सी पिक करी तो वो ए बी प्लस बी सी से छोटी होगी यार सिंपल सा लॉजिक है इधर सुनो सपोज करो मैं गया शाम मंदिर और शाम मंदिर से गया मैं सा सर्किल तो एक रूट तो मैंने ये फॉलो किया शाम मंदिर जाना अहिंसा सर्कल जाना एक रूट मैंने डायरेक्ट फॉलो किया यहीं से कोई डायगनली कोई रास्ता निकाल लिया तो ऑब्वियस बात है जो डायगनली रास्ता डायरेक्ट निकला वो छोटा होगा ना तो तीसरी साइड तो छोटी होगी ना ट्राइंगल की वो ऐसे जाना या फिर सीधे जाना ऑब्वियसली छोटी होगी अगर अगर वो छोटी नहीं होती है अगर एग्जैक्टली बराबर होती है स वहां पर ट्राइंगल नहीं बन रहा वहां स्ट्रेट लाइन बन रही है अगर उन दोनों का सम एक्टली बराबर है स्ट्रेट लाइन बन, बन रही है और छोटी है दैट मीन्स क्या बन रहा है ट्राइंगल बन रहा है ठीक है जैसे तीन पॉइंट ए बी सी अगर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तब जाके ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर होगा होगा ना और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते हैं ट्राइंगल बनाते हैं तो ए बी और बी सी का सम हमेशा ए सी से बड़ा होगा मतलब सम बड़ा होगा और ए सी साइड छोटी होगी समझ गए उसने क्या कहा क्या हमेशा बराबर होता है आप कहोगे हमेशा बराबर नहीं होता है अगर तीनों कोलिनियर हैं तो ही बराबर होता है अगर ट्राइंगल बना रहे हैं तो बराबर नहीं होगा ठीक है समझ में तो आ गया वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है एनालिटिकल है टोटल एनालिटिकल है फिर भी आ जाए तो कैसे प्रेजेंट करेंगे इट इज गिवन दैट

उन्नीस चार एनजी अच्छा तो आधे तो नहीं फिर आज नहीं ठीक है दिवाली से पहले इसका टैक्स ले लें यार नहीं तो फिर दिवाली के बाद आया गया हो जाएगा भी क्यों नहीं होना आज और कल में दो दिन में हो जाए अगर करने दे दस क्वेश्चन तो चलो देखते हैं एक बार पटाखों के गूंज में वेक्टर खो जाएंगे कहीं इसको पहले ही खत्म कर दो पर एक चलो वेदर वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड टू चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस प्लस ये हमको चेक करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं है तो हमने लिया केस वन केस वन में हमने क्या किया इनको कोलिनियर बनाया तीनों वेक्टर्स को क्या बनाया कोलिनियर केस वन में हमने वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर, ठीक है तो कोलिनियर बनाया तो एक फिगर भी बना देते हैं इसका ऐसे, फिर ऐसे, और कोलिनियर मतलब तीसरा वेक्टर यही ठीक है तो वेक्टर ए तो ये हो गया बेटा वेक्टर बी ये हो गया और वेक्टर सी ये पूरा हो गया यहां से लेके यहां तक तो इस केस में तो ए प्लस बी का सम सी बना रहा है ने? उल्टा लिख गया ए ए टोटल है और बी और सी वो है तो ए यहां करो बी यहां करो सी यहां करो ए तो उनका टोटल है ना और बी है और सी तो इस केस में तो ए का मैग्नीट्यूड बी और सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है लेकिन जब ट्रायंगल बनाएंगे तो नहीं होगा ना तो इस केस में तो हम लिख देंगे हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर सी अब केस टू बना दो ट्राइंगल वाला वैक्टर ए कॉमा वैक्टर बी एंड वैक्टर सी फॉर्म अ ट्राइंगल फॉर्म अ ट्राइंगल कोलिनियर की जगह यहां पे आप करेक्ट वर्ड ये यूज करना फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन मतलब जितना हो सके ना हम एग्जाम में इजी लैंग्वेज यूज करें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स ना यूज करें जितना उसको मेहनत कम कराओगे उतने अच्छे मार्क्स वो देगा पता चले उसी को समझ नहीं आ रहा क्या लिखें चलो तो इसमें हम बना देते हैं वेक्टर ए ये है वेक्टर बी ये है और ये ट्राइंगल बन गया वेक्टर सी कोलिनियर का मतलब क्या होता है ये बताओ तो लाइन लाइन पे लाइन लाइन पे कैसे लाया करेगी लाइन की चेक थोड़ा करते हैं कि लाइन कोलिनियर है यानी चेक किसको करते हैं या तो पॉइंट्स को या वेक्टर्स को या तो पॉइंट्स को या वेक्टर्स को तो अब हमने वेक्टर्स को लिखा कोलिनियर है और हमने बनाया लिखा कि ये तीन वैक्टर्स स्ट्रेट लाइन बनाते ज्यादा इजी लैंग्वेज कौन सी है एक तो हमने कहा कि ये तीन वैक्टर्स स्ट्रेट लाइन बनाते हैं मतलब तीनों वैक्टर्स को ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है और एक हमने लिखा ये तीनों वैक्टर्स कोलिनियर है अब कोलिनियर का मतलब हमने वैक्टर्स की दुनिया में सीखा था जो वैक्टर सेम लाइन के पैर हो तो घूम फिर बात तो वही है लेकिन कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड तो कोलिनियरिटी वाला है ना इजी कॉन्सेप्ट क्या है स्ट्रेट लाइन बनाना आप चाहो तो गलत नहीं है वो बट आंसर राइटिंग टेक्निक बता रहा हूँ इजी वर्ड्स यूज करोगे तो थोड़ा सा फायदे में रहोगा ठीक है वी नेवर नो चेक करने वाले की हालत हमसे पूरी हो ठीक है कुछ भी हो सकता है सरकारी काम ओके वेक्टर बी वेक्टर सी एंड वेक्टर ए वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अब यहां पे हम क्या लिखेंगे वी नो दैट हम ट्राइंगल का एक लॉ लिखेंगे वी नो दैट इन अ ट्राइंगल इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड्स द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड होती है ना कि नहीं होती इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड तो सम ऑफ टू साइड ग्रेटर दैन दर्ड साइड है तो इसकी दो साइड्स यानी ये वाली और ये वाली

तो उससे तो ये कंक्लूजन निकला कि एक्जैक्टली exactly बराबर है और इससे क्या कंक्लूजन निकला छोटा है तो हमेशा बराबर नहीं है ना कुल मिला के उसने क्या था कि हमेशा बराबर है या नहीं ये चेक करो तो एक फाइनल कंक्लूटिव स्टेटमेंट लिख देंगे हम इतना समझ आया? हम ये लिख देंगे सो वी कंक्लूड दैट सो वी कंक्लूड दैट इफ इफ वैक्टर ए इज इक्वल टू वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी देन ज ट्रू इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट मैग्निट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्निट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्निट्यूड ऑफ सी जब ए बी सी बी प्लस सी के बराबर है तो हमेशा सच नहीं होता कि उनका मैग्नीट्यूड भी इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर है कब सच होता है इट इज ऑनली ट्रू वैन दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन इट इज ऑनली ट्रू इट इज ऑनली ट्रू देन uh, when they form a when they form a straight line ठीक है क्या समझ आया तो बोरिंग सा एनालिटिकल क्वेश्चन था बट आ जाए तो करना तो है ही कर दें डिलीट ओके okay. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्या कह रहा है कोई vector है कोई उसको किसी scalar नामक X से multiply करा दें पूरे वेक्टर को तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेक्टर बना वो एक यूनिट वेक्टर बना यानी कि उसकी लेंथ वन यूनिट बनी तो वो एक्स क्या था जिससे आपने उसको मल्टीप्लाई कराया ठीक है थीके? अच्छा वन अब एक्स वन तो तब होगा जब अंदर वाला ऑलरेडी वन मुझे एक चीज बताओ एक वेक्टर है उसका ऑलरेडी मैग्नीट्यूड पांच यूनिट है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि वो यूनिट वेक्टर बन जाए फाइव से मल्टीप्लाई कराऊं तो अगर ऑलरेडी फाइव था तो वन बाय फाइव से कराना पड़ा ऑलरेडी सिक्स होता तो वन बाय सिक्स से कराना पड़ता है अच्छा ऑलरेडी उसका मैग्नीट्यूड हाफ होता तो फिर दो गुना करना पड़ता वन बनाने के लिए तो यूनिट वैक्टर बनाने के लिए यह पता होना चाहिए ना कि अंदर मैग्नीट्यूड क्या है तभी तो पता चलेगा कि x को किससे मल्टीप्लाई कराया जाए तो हमेशा वन नहीं होगा ओके चलो तो हम क्या करेंगे इस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर मान लेंगे सीधे-सीधे है ना इट इज गिवन दैट ये इजी भी है और छोटा भी है इट इज गिवन दैट इसको हम वेक्टर a नाम दे देते हैं वेक्टर a इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय दिस 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 इज अ यूनिट वेक्टर ये ऑलरेडी गिवन है ये ऑलरेडी गिवन है कि यूनिट वेक्टर है डन इसको सॉल्व भी कर दो दैट इज वेक्टर a equal to, x i कैप हो गया ना x को सबसे मल्टीप्लाई करा दो x टाइम्स i कैप प्लस x टाइम्स y कहां से आ गया x टाइम्स k कैप x टाइम्स i कैप x टाइम्स j कैप और x टाइम्स k कैप ये वेक्टर a एक यूनिट वेक्टर है अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के 1 के बराबर रख दें बोलो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के हम क्या कर दें 1 के बराबर रख दें मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए इज इक्वल टू वन यूनिट बताओ कोई डाउट चलो निकाल लो मैग्नीट्यूड निकालना कौन सी बड़ी बात है आप जैसे दूर हो गए बताओ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अंडर रूट स्क्वायर दोबारा अगला कंपोनेंट भी एक्सी है तो अंडर रूट अगेन एक्स स्क्वायर फिर अगला कंपोनेंट तीसरा भी तो अंडर रूट स्क्वायर का सम का रूट बाद में रिप्लाई कर देना प्रियांशु एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का सम का रूट इम्पलाइस थ्री एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू वन इम्प्लाइस यहां से थ्री एक्सर की वैल्यू बनती है one square, that means one. तो यहां से एक्स की, on की क्या वैल्यू बनती है टेलमी होल रूट ऑफ वन बाय थ्री दैट कम्स टू बी प्लस और माइनस वन बाय रूट थ्री आंसर मैच करू एंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्सेस जो भी पूछी थी तो इजी था बोलो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स इज प्लस और माइनस वन बाय अब एक्स की वैल्यू प्लस या माइनस वन बाय रूट थ्री रखो और मल्टीप्लाई करो उसकी लेंथ हमेशा वन यूनिट आएगी वो यूनिट वेक्टर निकल के आएगा ठीक है क्या चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर दूं डिलीट ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ किया अभी हमने सिक्स देखो अब देखो सिक्स क्वेश्चन एंड सेवंथ क्वेश्चन प्योर एग्जाम मेटेरियल क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देते हैं अभी जैसे लास्ट दो क्वेश्चन किए ना ऐसे बहुत कम दिखाई देते हैं अब ये फिफ्थ सिक्स दिखाई देते हैं और ईजी भी रहते हैं ठीक है पढ़ें मतलब इसको क्या है कॉम्बिनेशन बनाना पसंद है वेक्टर्स वाले चैप्टर में ए वेक्टर को बी से जोड़ देगा फिर कह देगा कि ये इससे परपेंडिकुलर है फिर कह देगा कि उसका मैग्नीट्यूड उसके मैग्नीट्यूड इस टाइप के क्वेश्चन उसको बनाना पसंद है ठीक है सिक्स क्वेश्चन रीड आउट करो अच्छे से देखो फाइंड अ वैक्टर एक वैक्टर निकालो अब वेक्टर निकालो तो साहब वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं कौन कौन सी मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड खुद ने दे दिया अब आपको अगर डायरेक्शन भी दे डायरेक्शन के लिए देखो क्या कह रहा है पैरेलल किसी से पैरेलल होना भी डायरेक्शन बताना होता है किससे पैरेलल है इन दोनों वेक्टर्स के भी रिजल्टेंट से पैरेलल है रिजल्टेंट मतलब क्या होता है सम रिजल्टेंट मतलब क्या होता है सम तो इन दोनों वेक्टर्स का जो सम बना सी वेक्टर इस वेक्टर से ये पैरल है ये तो हो गई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है पांच वेक्टर बना के दिखाओ ठीक है तुम तो कोई मुझे बताएगा सवाल में कितने वेक्टर्स मौजूद हैं चार दो तो गिवन है तीसरा उनका रिजल्टेंट बनेगा और चौथा जो मुझे फाइनली चाहिए जो उस तीसरे से पैरल है ठीक है स्टार्ट करें ओके सो पहले सबसे पहले तो ये दो वैक्टर्स को सम कर दो बस इनका इतना ही रोल है कि इनका सम करना है और कोई रोल नहीं है ना इनका दू गिवन वेक्टर्स आर ध्यान से देखना इक्वेशन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इजी भी है बस का प्रोसेस याद करो कैसे कैसे निकालना है द टू गिवन वेक्टर्स आर वेक्टर ए इट इज लिख दें एंड वेक्टर बी ये भी इट इज लिख दें लिख दिया अब इनका रिजल्टेंट निकालते हैं नाउ द रिजल्टेंट ऑफ वैक्टर ए एंड सी रिजल्टेंट ऑफर ए एंडल टू वैक्टर सबको अब देखो वर्ड ये कोई यूज कर सकता है सीधे सीधे भी कह सकता था कि इनका सम करो बट इसने वर्ड क्या यूज किया रिजल्टेंट अब ऐसा नहीं कि साहब हमको तो पता ही नहीं रिजल्टेंट वर्ड का मतलब ही क्या होता है रिजल्टेंट वैक्टर्स की दुनिया में रिजल्टेंट का मतलब है दोनों का सम ओके मतलब मैं ए से बी गया मैं बी से सी गया तो रिजल्टेंट फाइनली मैं कहा गया ए से सी गया फाइन नेट डिस्प्लेसमेंट को हम रिजल्टेंट बोलते हैं ओके करो सम तो आपको वैसे एग्जाम में ए यहां रखना है बी यहां रखना है, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट कर देता हूं करो टू प्लस वन कितना हुआ थ्री थ्री माइनस टू वन एंड माइनस वन प्लस वन जीरो तो तो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर बोलना थ्री आई कैप देन वॉट प्लस सिंगल जे कैप और के कैप जीरो हो गया ठीक है साहब ये वेक्टर सी आ गया फाइनली ओके अब एक चौथा वेक्टर डी निकालो जो कि इससे पैरल हो जो ये सी निकाला है इससे पैरल हो पर उसका मैग्नीट्यूड क्या हो पांच यूनिट ऐसा है उसने कहा अब सुनो बेटा जब भी हमको ऐसा गिवन हो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से पैरल है तो जिस वेक्टर से वो पैरल है उसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया करो अच्छा नहीं समझ आया स्क्रीन पे देखो मान लो मैंने कहा वेक्टर ए इज पैरल टू वेक्टर बी फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया वेक्टर ए इज पैरल टू वेक्टर बी तो इसका मतलब पता है क्या है वेक्टर ए बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर दैट मीनस बी कैप का कुछ गुना है इसका मतलब ये समझ आया क्या वेक्टर ए वेक्टर बी से पैरल होने का मतलब है कि वेक्टर ए बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर का कुछ गुना है क्योंकि ये देता है डायरेक्शन बी कैप लिखना मतलब उससे पैरल होना बी कैप लिखना मतलब बी वैक्टर से पैरल होना है ना बी वैक्टर की डायरेक्शन चाहिए ऐसे समझो चलो पैरल होने का मतलब उसकी डायरेक्शन कॉपी करना और उसकी डायरेक्शन कॉपी कैसे करेंगे हम उसके यूनिट वेक्टर से कॉपी करेंगे और मैग्नीट्यूड इसका अपने खुद को हमको गिवन है पांच यूनिट है समझ आ गया क्या तो वेक्टर जो हम चौथा निकालना चाह रहे हैं डी वो सी वेक्टर से पैरल है तो हम सी वेक्टर की डायरेक्शन कॉपी करेंगे और सी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे कॉपी होगी इसका यूनिट वेक्टर निकाल के और इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे किसी भी वेक्टर वेक्टर का यूनिट कैसे निकालते हैं बोलो उसी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज गिवन बाय करना थ्री का स्क्वायर फिर क्या होगा वन का स्क्वायर फिर क्या होगा रो का स्क्वायर कितना बनाइए नौ okay. रूट टेन यूनिट गया बोलो तो यूनिट वैक्टर निकालो नाउ यूनिट वैक्टर डायरेक्शन यूनिट ऑफ वैक्टर सी इन द डायरेक्शन ऑफ वैक्टर सी गिवन बाय एग्जाम एग्जैक्ट ऐसे स्टेप्स लिखने आपको प्लस आपके नोट्स में भी ठीक है

रूट टेन टाइम्स जे कैप और जीरो को डिवाइड करेंगे तो वही जीरो के कैप तो ये सी कैप आ गया फाइनली सी कैप आ गया अब जो मुझे वेक्टर चाहिए उसकी डायरेक्शन तो ये है जो ये लिखी हुई है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है पांच यूनिट तो मैं क्या कर दूंगा इस डायरेक्शन को पांच से मल्टीप्लाई करके मेरा फाइनल आंसर डी वैक्टर की फॉर्म में आ जाएगा बोलो समझ आया ठीक है पूरा एल्गोरिज्म क्लियर है ना ओके फाइनल स्टेप कर रहे हैं अब अपन नाउ द रिक्वायर्ड वैक्टर उसको हम डी नाम दे देते हैं डी नाउ द रिक्वायर्ड वैक्टर वैक्टर डी ठीक है पैरल टू वैक्टर सी पैरल टू वैक्टर सी एंड हैविंग मैग्नीट्यूड कितना चाहिए उसको फाइव यूनिट हैविंग मैग्नीटूड फाइव यूनिट्स इज गिवन बाय इज गिवन बाय वैक्टर डी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा कोई बताएगा फाइव टाइम्स सी कैप फाइव टाइम्स सी कैप लिखने का मतलब है पांच तो उसकी मैग्निट्यूड है और सी वेक्टर की डायरेक्शन उसने कॉपी कर ली समझ गए क्या सी कैप में निकाल चुका हूं पांच से गुना करो फाइव मल्टीप्लाइड रूट टेन टाइम्स आई कैप प्लस वन बाय रूट टेन टाइम्स जे कैप प्लस जीरो टाइम्स के कैप पांच से गुना कर दो जरा फाइव थ्री जान बाय टेन टाइम्स आई कैप फाइव वन जा फाइव बाय रूट टेन टाइम्स जे के आंसर मैच करो इसी फॉर्म में है या कुछ डिफरेंट है इस फॉर्म में नहीं है हाँ तो कोई बात नहीं ना फिफ्टीन में से क्या निकालोगे थ्री इंटू फाइव और रूट टेन में से क्या निकालोगे रूट टू इंटू रूट फाइव डिवाइड कर दिया होगा उसने भाई मुझे बताओ फिफ्टीन को क्या लिख सकते हो थ्री इंटू फाइव रूट टेन को क्या लिख सकते हो रूट टू इंटू रूट फाइव रूट फाइव से रूट फाइव टाइम्स गया तो ऊपर क्या बचा थ्री रूट फाइव नीचे क्या बचा रूट टू अब मैच हो गया ये तो कर लिया करो छोटी मोटी चीज अभी भी नहीं हुआ ओके तो रूट टेन एलसीएम ले लिया तो फिर क्या रूट एलसीएम निकाल लेके बाहर लिया है क्या ऐसे लिखा है क्या रूट टेन एल लाइक दिस दिखाओ एक बार बुक दिखाओ आंसर की फॉर्म बताओ मुझे और वैसे अगर आप इस फॉर्म में छोड़ के आओगे तो कोई गलत नहीं है आंसर की फॉर्म डिफरेंट हो सकती है कौन सा क्वेश्चन है थ्री बाय टू इंटू रूट टेन अच्छा रूट टेन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया लो रूट टेन से मल्टीप्लाई करा दो ऊपर और नीचे कराओ मतलब रैशनलाइज करा दो तो बताओ फिफ्टीन बाय रूट टेन को ऊपर नीचे रूट टेन रूट टेन से मल्टीप्लाई कराओ क्या बनेगा रूट टेन इंटू रूट टेन टेन और फिफ्टीन बाय टेन क्या बनेगा थ्री बाय टू रूट टेन हो गया

गए मैग्नीट्यूड से गुणा कर दीजिए यह चीज समझ में आ गई सबको अब बताओ वेक्टर पी बनाना है मुझे मैग्नीट्यूड सात यूनिट लेना है डायरेक्शन वेक्टर क्यू की लेनी है कैसे बनाएंगे सेवन क्यू कैप यस आंसर वेक्टर पी इक्वल टू सेवन टाइम्स क्यू कैप एक और सपोज करो वेक्टर एक्स बनाना है मुझे मैग्नीट्यूड बीस यूनिट रखना है डायरेक्शन वाई वेक्टर की लेनी है कैसे बनाएंगे ट्वेंटी वाई कैप एक्स इक्वल टू वैक्टर दो तीन वेक्टर वाई की डायरेक्शन ले लो इन द डायरेक्शन है, आपको. ये भी कह सकता है y, जैसे इस क्वेश्चन में उसने y का है, तो भी आपको वाई कैप यूज करना है ठीक है ना ओके okay, क्लियर अब टाइम बताओ आठ पंद्रह हो गए नौ बजे से क्लास है आपकी फिजिक्स वालों की चलो तो फिर डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करते हैं जो ओल्ड बैच है वो लीव कर सकता है थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस नाइस डे कीप लर्निंग बाय न्यू बैच रुकेंगे डिफ्रेंसिएशन के लिए